सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक ऐसे कॉलेज का कॉलेज रिव्यू देने वाला हूँ जिसका नाम है SRN यूनिवर्सिटी, जो कि सोनीपत में है। तो फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, तो जो भी स्टूडेंट SRM में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, साथ में वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया हूँ, ताकि कोई भी क्वायरी हो, डाउट हो, तो वहाँ से आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो मैं कॉलेज रिव्यू दूंगा SRM यूनिवर्सिटी, जो कि सोनीपत में है, NCR में। तो इसमें है एकेडमिक्स, रिसर्च, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, प्लेसमेंट्स, इसका एवरेज आए, क्या पैकेज आता है, उसके बाद यहाँ पर कैंपस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहो, ताकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड भी मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको एडमिशन के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये देख सकते हो, इसका SRM यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर किस तरह से कैंपस है कुछ देख सकते हो, इस टाइप का है, एक ग्रेड का कॉलेज है यहाँ पर, आपको इसमें एडमिशन लेना है तो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से ब्रांचेस की पढ़ाई होती है, सारा चीजें है, प्लस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है, कि आप अगर आपको फ्रेंड्स आपको नहीं है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊँ कि इसका हाइस्ट जो पैकेज गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 50 LPA का इसका हाई पैकेज है, 315 प्लस यहाँ पर कंपनी विजिटर्स है। जॉब प्लेसमेंट्स के लिए मैं बात करूँ तो 2024 से प्लस ही है। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर कंपनी विजिट करते हैं, ताकि आपको एक अंदाजा मिले कि हमारा ये सब कंपनी विजिट करने वाला होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, Amazon हो गया, डाइऑक्सिन हो गया, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब बड़े बड़े कंपनी, स्विगी हो गया, ये सब कंपनी यहाँ पर विजिट करते हैं SRM यूनिवर्सिटी में। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ इसका फी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद प्लेसमेंट्स के बारे में और भी मैं जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो है फी स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर देख सकते हो, बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो तो आपको ट्यूशन फी एनुअल यानी कि सालाना आपको 2,50,000 रुपया लगेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2,50,000। वही बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, जैसे डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको 3,00,000 रुपया आपको लगने वाला है। उसी तरह से एनुअल मैं बता रहा हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आप ब्लॉकचेन, IoT करना चाहते हो तो 2,50,000 रुपया में हो जाएगा पर सेमेस्टर, पर आपको ईयर लगेगा। उसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्पेशलाइजेशन फुल इंजीनियरिंग ऑटोमेशन वाला, तो यहाँ पर देख सकते हो 2,50,000 लगने वाला है। तो जो भी ब्रांच आप करना चाहती हो तो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर देख लो। अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ का जो यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, 50 LPA का इसका हाई पैकेज है, जैसे आपको पता है 95% स्टूडेंट जो कि है ऑलरेडी प्लेस्ड है यहाँ का। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तो 315 प्लस यहाँ पर कंपनी विजिटर्स हैं, जो कि हमेशा आते रहते हैं। 1400 प्लस यहाँ पर पैड इंटर्नशिप होती है, जो कि आपको पैसा देकर होती है। 24 प्लस जॉब प्लेसमेंट्स यहाँ का है। ओके, अब इसका मैं गैलरी वगैरह में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो तो क्या इसका गैलरी वगैरह है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सारा ब्रांच के लिए, प्लस में यहाँ पर आप देख सकते हो बताया गया कि फैकल्टी जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है, आपको लाइब्रेरी स्पॉट चार्ज कितना लगे हैं। तो आप एक बार वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो, या तो फिर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो जाकर अप्लाई करो। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वायरी होता है, तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पर आपको सारी चीज बता दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी तरह से आपको हमेशा आपको बनाते रहेंगे। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।